राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है और उस भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। कौन बदल रहा है देश की जागीर और कौन लिख रहा है देश की तकदीर? पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात और दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। हर रात 8 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ हिंदुस्तान 24/7 आवाज। इरनी गौशाला पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पे जानवरों की स्थिति दिखाते हैं कि क्या किस प्रकार से जानवर गौशाला में रह रहे हैं। जैसे ही शासन से या गौशाला निर्धारित किया गया कि हर ग्राम सभा में एक गौशाला बनाया जाए, जो छुट्टा और हमारा पशुओं हैं उन्हें एकत्रित करके उन्हें चारा और शासन से जो पैसा आता है इनके लिए चारा हो या उनके लिए दाना हो, दवाइयाँ हो, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएँ मिलती है शासन की तरफ से। ब्लॉक कर्मचारी को क्या कहना, इनकी हालत देख रहे हैं आप कि ये ना तो यहाँ पे कोई कर्मचारी है, ना तो यहाँ पे कोई यहाँ के नियुक्त हुए, जो भी यहाँ पे रखे गए हैं चाहे सफाईकर्मी हों या किसी अन्य लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, मगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस समय कोई नहीं है और ये सभी जानवर लगभग प्यासे हुए पानी से तड़प रहे हैं कि इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। नमस्कार, इस समय हम ठेकमा ब्लॉक आजमगढ़ के अंतर्गत आता है, जो इस समय ग्राम सभा इरनी सामुदायिक शौचालय है, जिस पे साफ अक्षरों से लिखा गया है शौचालय स्वच्छ भारत मिशन। मगर कितना सुंदर यह मिशन चल रहा है, आइए इसकी सच्चाई हम दिखाते हैं। और ये देखिए, यही सुंदरता है इसकी। और यहाँ पर कोई भी आए या जाए कोई मतलब नहीं होता है। या शौचालय एक गौशाला इरनी गौशाला पे बनाया गया है। ये देखिए सामने यह गौशाला है, वहाँ पर पशु बैठे हुए हैं। ना यहाँ पर कोई ना तो कर्मचारी है, ना तो कोई अधिकारी है, ना ही यहाँ पे जो सफाई कर्मी की ड्यूटी लगी है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा, चाहे कोई जानवर मरे या जिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर हाँ, हालाँकि जो सरकारी धन आता है इसके लिए उसका सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है कर्मचारियों के माध्यम से, और कहा जाए तो ग्राम प्रधान की मिली भी भगत भी कही जाएगी। और सामुदायिक शौचालय की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी लागत लगभग हमारे अनुमानित से 15-15 के आसपास लगी होगी, 15 लाख। और ये देखिए बहुत अच्छा शौचालय बना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह कार्य किया गया है। इसी प्रकार से इस पे ताला भी लटकाया गया है, लेकिन मैं अंदर देखता हूँ क्या स्थिति है इसकी, कुछ पता नहीं।